विद प्रूफ दिग्विजय जी ने आपके समक्ष रखने का काम किया। तो जैसे मैं कह रहा था कि हमारा सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के विकास का एक ध्यान देता है पार्टी का, हरियाणा के विकास के मुद्दों के ऊपर ध्यान देता है, ना कि हमारा ये कोई ध्येय है कि हम किसी राष्ट्र लेवल के, किसी प्रदेश लेवल के किसी नेता के खिलाफ को बात कहें, को बयानबाजी करें। हम हमेशा अपने मुद्दों पे अपने आप को केंद्रित करते हैं। तो यही एक वजह है कि दुष्यंत चौटाला आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक युवा नेता के रूप में अपनी सोच और समझ को लेकर के, हरियाणा के हितों को लेकर के सबके हरमन प्यारे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सरदार निशान सिंह जी। और मैं तो इतना ही कहूंगा, जैसा आपने कहा कि हमारी इंटेंट रहती है कि लोगों का विकास कैसे हो, भला कैसे हो, पॉलिसीज कैसे अच्छी लाई जाए, वही हुड्डा जी और उनके बेटा जी की नियत रहती है कि दुष्यंत को कमजोर कैसे किया जाए। कहीं भी आप देख लो, किसी नेता का नाम नहीं लेंगे हरियाणा, नेता तो और भी बहुत है अन्य पार्टियों के हैं, मैं पार्टियों का नाम नहीं लूंगा, पार्टियों का नाम लेंगे, नेता का नाम नहीं लेंगे, नेता का एक का ही नाम लेंगे, दुष्यंत चौटाला। राष्ट्रीय स्तर पर कितने नेता हैं सभी पार्टियों के, किसी का नाम नहीं लेंगे, अच्छे में बुरे में एक ही नेता का नाम लेंगे, क्योंकि हुड्डा जी के पेट का दर्द, उनकी सबसे बड़ी तकलीफ, उन्हें कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन्होंने प्रत्यक्ष छात्र संघ चुनाव कराने की जो मांग है वो एक बार फिर से उठाई है। आज 3.5-4 साल बीत गए और ऐसी आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि हमें इस बात को पब्लिक डोमेन में लाना पड़े। जैसा मैंने कहा कि कुछ बातें अच्छा है कि दबी रहें, मगर बार बार ये बात वो कहते हैं कि ट्रिगर की गई दीपेंद्र हुड्डा और उनके पिताजी द्वारा, रैलियों में कही गई, सभाओं में कही गई, तो मुझे उसका जवाब देना, मैं समझता हूं कि उसकी आवश्यकता थी, लोगों के सामने क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। अगर इसके बाद भी अगर वो कोई बात कहेंगे तो उसका जवाब भी उन्हीं की भाषा में जैसे को तैसा देने के लिए जननायक जनता पार्टी निश्चित तौर पर वो तैयार है। और मैंने जो 2-3 बातें कही हैं, अगर हुड्डा जी उनके लिए तैयार हैं तो उसको पब्लिक डोमेन में लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय जननायक जनता पार्टी और जय। दिग्विजय, इसी गठबंधन से जुड़ा एक सवाल है जी। आपने कहा कि गठबंधन करने को तो तैयार थे आप, लेकिन जो शर्तें थी वो सहमति नहीं बन पाई कांग्रेस से। कांग्रेस से आपने कहा, कांग्रेस से भी बन पाई, हुड्डा जी से नहीं बन पाई। और हुड्डा जी को अगर आप वो चलाएंगे तो उसमें लिखा है कि हुड्डा जी को फ्री हैंड दे दिया गया इस गठबंधन को करने के, नहीं बन पाई। आपने अभी कुछ दिन पहले ये भी बयान दिया था, जब अभय सिंह चौटाला की तरफ से एक बयान आया था कि कांग्रेस के साथ भी वो गठबंधन कर सकते हैं, अगर आपने कहा था कि, मैंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया, आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे। मैंने कहा कि जहां वो ये कहते थे कि चौटाला साहब को जेल भेजने वाले और अजय सिंह जी को जेल भेजने वाले के साथ मैं नहीं जाऊंगा, तो मैं तो उन्हें सिर्फ याद दिला रहा, मतलब कलयुग का एक अलग ही नजारा होगा। वही मैं कह रहा हूँ कि मुझे तो ये विश्वास है कि भूपेंद्र हुड्डा की किस सोच के व्यक्तित्व, दिग्विजय जी ये हाइपोथेटिकल बात है, उन बातों का जवाब तो समय आने पर देंगे। दिग्विजय जी, अभय चौटाला जो कह रहे हैं कि उपमुख्यमंत्री, अब बात, मैं आपसे एक बात रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभय चौटाला जी के बारे में बहुत सारी समय पर हमारी बातें होती हैं, आज मैं कुछ कहूंगा कल अखबार में वो छप जाएगा, आज रहने दे, अगली बार अभय सिंह जी के बारे में बात। मैं कह रहा हूँ कि आज जो मुद्दा है वो ये है कि हुड्डा जी ने क्या कहा, मैंने क्या कहा, बेटा जी ने क्या कहा, मैंने कहा। उसी विषय पे आ रहे हैं, आप कहना चाह रहे हैं, आप कहना चाह रहे हैं कि जाट का नेता अब लोकप्रियता कौन बटोरे, हुड्डा या फिर दुष्यंत चौटाला? आप ऐसा नेता, ऐसा है जी, जाति पाति धर्म मजहब ये हमारी सोच नहीं उनकी। इस बात पे गौर करिए और आप स्वयं इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि 25 तारीख को क्या हुआ होगा। जो बात मैं कह रहा हूं, देखिए आर्काइव जो है उसे कोई छुपा नहीं सकता, जो हमारी मेमोरी है वो कमजोर पड़ सकती है, हुड्डा जी की पड़ सकती है, उनकी याददाश्त कम हो सकती है, उनके बेटा जी भूल सकते हैं, इन चीजों को कोई छुपा नहीं सकता।
दिग्विजय जी 2024 के लिए मिनिमम प्रोग्राम क्या होंगे वो, और क्या उनके आधार पर हम संगठन पर किसी भी गठबंधन के साथ जा सकते हैं? ये तो सरदार निशान सिंह जी, दुष्यंत चौटाला जी और पार्टी की सीनियर लीडरशिप तय करेंगी। इसके अलावा मैं इस बात का उपयुक्त जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्या मुद्दे होंगे, कैसे होगा, कैसे गठबंधन होगा, नहीं होगा, कैसे चुनाव लड़ेंगे, भविष्य के घर में है। और इनको प्रेमलता आजकल क्वालिफिकेशन पूछ रहे हैं जी आपकी, क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन तो 12वीं है और मुझे गर्व है। और प्रेमलता जी को एक बात बड़े विश्वास से कहना चाहता हूं कि मैं भूपेंद्र हुड्डा जी और कांग्रेस की उस सोच से सताया हुआ परिवार का एक नौजवान था, क्योंकि मेरे पिता और दादा को 10-10 साल की कैद कर दी गई थी। मैं अपने थर्ड ईयर ऑफ लॉ में था जब मुझे पढ़ाई को छोड़ करके अपने परिवार को संभालने यहां आना पड़ा। प्रेमलता जी, आपके आपके बेटा जी और आपके हस्बैंड की जितनी क्वालिफिकेशन है, भगवान ने सांस दिए और चौधरी देवीलाल का रगों में खून दौड़ता रहा, तो आपसे ज्यादा पूरे परिवार की पढ़ाई लिखाई से ज्यादा ज्ञान लेकर के जाऊंगा। मगर किताबों से सीख नहीं मिलती, एक्सपोजर से सीख मिलती है। आपकी सोच नियमित है कि वो 12वीं को देखती है, मेरी सोच आपसे कई लाख गुना शायद बड़ी है कि मैं और चीजों को देखता हूं। और उसी चौधरी देवीलाल के खानदान में जन्म लेने का जो सौभाग्य मुझे हासिल हुआ और जनता की सेवा करने का हासिल हुआ, तो ये पढ़ाई लिखाई भी मेरे दादाजी ने कितनी उम्र में कर ली, हम भी कर लेंगे, क्या हो गया? हमने कभी पूछी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और इससे कितने क्या मैटर करता है? कितनी नियमित सोच है, कितनी नियमित सोच का दायरा है। मैं उनकी इज्जत करता हूं, मेरे से बहुत बड़ी है, मेरी दादी स्वरूप है, मगर कितनी नियमित सोच का दायरा है। और मैंने, मुझे लगता है कि आंसर दे दिया, इससे ज्यादा इस पे चर्चा नहीं। किसी में यह है कि पिता के समान लोगों को चैलेंज करें, पिता के समान अपने से अगर कोई राजनीति में बात हुई है आदर के साथ विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्या उसका जवाब नहीं देंगे? पिता के समान अगर आप हैं उम्र में तो आप कुछ भी कहते रहेंगे राजनीति में, तो पिता के समान कल को कोई चुनाव लड़ेगा तो हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। अभी भी युवाओं को पिछड़ता मैं आपको हिसाब से मैं फिर कह रहा हूं मैम, विद ड्यू रिगार्ड 75% आरक्षण हमने अपनी नियत से मजबूती से लागू कर दिया। हाई कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट करेगा, अगर मैं उस पर टिप्पणी कर दूंगा तो मुझे और आपको दोनों में कल को कोर्ट में कोई घसीट लेगा, तो इसलिए इस पर चर्चा ना हो। अब हाई कोर्ट का फैसला आ जाए, कल आए, कब आए, ये वहां से नगर निगम के चुनाव होने, तो क्या वहां बीजेपी के साथ गठबंधन में लड़ेंगे चुनाव या अकेले अकेले लड़ेंगे? कोई भी संगठन अपनी मजबूती से हर सीट पर दावेदारी करता है, फिर उसके बाद जो समान विचारधारा के लोग हैं वो समय समय पर आते भी हैं, पीछे भी आए हैं, और आगे जब चुनाव अनाउंस हो जाएंगे तो इस पे सरदार निशान सिंह जी और वो सभी लोग चर्चा करेंगे। दिग्विजय जी, चुनाव का समय आ रहा है, तीन शर्तें जो पहले रखी गई आपकी, 75% युवाओं को रोजगार या 50% महिलाओं को आरक्षण, 51% पे पेंशन, अब दो शर्तें तो लगभग आपकी तरफ से अप्रूव ही हो। निशान जी ने मेरे हिसाब से बड़े खुले तौर पर कह दिया कि मेरे मन की टीस है और जनता के बीच में उस चीज को दुष्यंत जी लेके जाएंगे, इसमें कोई राय नहीं। तो ठीक, मेरा मैंडेट अगर 45 का होता तो आप मेरे पर क्वेश्चन करते, अगर दुष्यंत जी को 45 सीटें मिली होती तो आपका यह प्रश्न बिल्कुल जायज। हम 10 सीटों में अलाइड पार्टनर हैं, सरकार के 20% हिस्सेदार हैं, उसमें भी हम प्रयास करते हैं, हमारी नियत पर, हमारी नीति पर, हमारी सोच पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो आने वाले चुनाव में आपको लगता नहीं है कि फिर दोबारा से जिस तरह आप अभी चर्चाएं चल रही है कि गठबंधन होगा नहीं होगा, वो एक अलग परसेप्शन है? मुझे देखिए दो चीजें, एक 5 साल सरकार को चलाना और एक 5 साल के बाद गठबंधन में आना, मिलकर के चुनाव।